हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। ये सब कुछ मुमकिन है यदि हम 16 कलाएं प्राप्त कर लें। लेकिन ये कला होती क्या है? ये तो लगभग हर सनातन धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति को पता है कि भगवान श्री राम 12 और भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के विषय में भी आपने सुना होगा। दंडी ने काव्य आदर्श में कला को कामार्थ संश्रयः कहा है, अर्थात काम और अर्थ कला के ऊपर आश्रय पाते हैं। तो आखिर ये 16 कलाएं हैं क्या और इनका हमारे जीवन व धर्म में क्या महत्व है? सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या कार्य करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ ना कुछ खासियत थी। वे खासियत उनकी कला ही थी। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि 16 कलाएं कौन सी होती हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कला का चलन कहां से हुआ। दरअसल चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। हमारे मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र के 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलते हैं, परंतु सबकी दिशा एक ही है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में विस्तार से। नंबर 1, श्री संपदा। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। नंबर 2, भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर अधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। नंबर 3, कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। नंबर 4, वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है, लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। नंबर 5, लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। नंबर 6, कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध होकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का मन ही नहीं लेता है। नंबर 7, विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। नंबर 8, विमला। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल ना हो और कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। नंबर 9, उत्कर्षणी शक्ति।
उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को आकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सकें, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकें। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता उपदेश से प्रेरित किया। नंबर 10, नीर शेर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है, ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वे अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। नंबर 11, कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को आकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं इस गुण कला का व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। नंबर 12, योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। नंबर 13, विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी ना हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वे कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास ना फटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। नंबर 14, सत्य धारण। विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। नंबर 15, आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। नंबर 16, अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वे हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है व परोपकार के कार्यों को करता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वे अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। जिन लोगों में ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही हो जाते हैं। जो योगी इन 16 कलाओं के विज्ञान को जान लेता है वही योगी भगवान के द्वारा रचित इस ब्रह्मांड को और ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या ज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। तो बोलो राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन कलाओं के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।